एंड वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बज में। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं उन सितारों को लेकर जो इन दिनों काफी ही बज का कारण बने होते हैं, या फिर यूं कहें कि उन्होंने काफी ही ज्यादा बज को क्रिएट किया होता है। आप देखेंगे कि ऐसे कौन से सितारे हैं जो इन दिनों काफी ही ज्यादा खबरों में छाए हुए हैं, या फिर यूं कहें कुछ तो सितारे ऐसे हैं जो फिल्मों से तो दूर हैं मगर बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे उन्हें खबरों में बने रहना है। आपको बता दें, सपना चौधरी जो हरियाणा की जान कहलाई जाती हैं और बिग बॉस 11 में आने के बाद तो मानो उनकी किस्मत और ही बदल गई। जहां वो पहले स्टेज शो किया करती थी, अब तो उनके हाथ में फिल्मों की लाइन लग गई है। तो वही हाल ही में सपना चौधरी ने किसी के खिलाफ पुलिस में जाके शिकायत की। आखिर वो कौन था और क्या पूरा मामला था, आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि रणबीर कपूर को लेकर हाल ही में एक डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर बाकी एक्टर भी शॉक हो जाएंगे। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कह दिया, आप देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कहलाए जाने वाले शाहिद मीरा जो इन दिनों काफी ही ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं, वो भी अपनी दूसरी बार पापा बनने को लेकर। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफी ही अलग अंदाज में इसका ऐलान किया था। शाहिद ने मिशा की फोटो शेयर की थी बिग पोस्टर के साथ, जिसमें कुछ मिनटों में वो वायरल हो गई और साथ ही साथ ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई कि मीरा कपूर एक बार फिर प्रेग्नेंट है। बता दें, इस पोस्ट पर कई फैंस ने शाहिद और मीरा को बधाई तो दी पर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रॉल भी किया। कई यूजर्स ने तो शाहिद को ये तक कह दिया कि मीरा की उम्र तो देखो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या। तो वहीं किसी ने कहा कि मीरा की उम्र की दुहाई दी तो कई यूजर्स पूछ बैठे कि फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज सुनी है क्या। खैर, शाहिद के फैंस इस बात से बेहद खुश हैं कि एक बार फिर से वो पापा बनने जा रहे हैं। तो वहीं शाहिद हाल ही में पद्मावत में दिखाई दिए थे। नेक्स्ट टाइम बॉलीवुड में इन दिनों स्टार्स से ज्यादा स्टार किड्स का जादू छाया है। तो वहीं हर कोई स्टार इन दिनों अपने बच्चों को लॉन्च करने में लगा है। बता दें, ऐसे ही बेहद ही जल्द सैफ और अमृता की बेटी सारा अली खान भी डेब्यू करने वाली है। सारा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेहद ही प्यारा डांस करती दिखाई दी। बता दें, सारा यहाँ बेहद ही प्यारी भी दिखी। बता दें कि सारा ने यहाँ व्हाइट कलर की शिमरी साड़ी पहनी थी और वहीं जहाँ उन्होंने इतनी प्यारी साड़ी पहनी थी तो वहीं जहाँ वो फ्लोर पे आई तो मानो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। सारा ने यहाँ सात समुन्दर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया पर जम के ढुमके भी लगाए। बता दें, ये वीडियो फैशन डिजाइनर संदीप खोसला की भतीजी के वेडिंग रिसेप्शन का है। इस पार्टी में यहाँ कई और स्टार्स भी मौजूद दिखे तो वहीं सारा इस मौके पर ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आई थी। हाल ही में सारा ने अपनी मम्मी अमृता सिंह के साथ भी ट्रेडिशनल एक फोटो शूट करवाया था जिसमें वो पंजाबी लुक में नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जो हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है, वहीं इन दिनों अनुष्का अपनी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बिजी हैं। बता दें कि अनुष्का इन दिनों अपनी फिल्म सुई धागे की शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में अनुष्का की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो काफी ही बूढ़ी औरत के किरदार में नजर आ रही हैं। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये लुक उनका फिल्म सुई धागा के लिए है या फिर किसी और फिल्म के लिए। तस्वीरों में उनके चेहरे पर चश्मा लगा है और सर पर सफेद बाल भी। फिल्म में सुई धागे में अनुष्का के साथ वरुण धवन भी दिखाई देंगे। वहीं ये दोनों पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अनुष्का का नाम ममता और वरुण का नाम मौजी है। वहीं जब से इन दोनों की फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है तब से इन दोनों की तमाम फोटोज सामने आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी संजय दत्त की बायोपिक फिल्म पर कई महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब इस मेहनत का फल चखने का वक्त आ गया। खबरों की माने तो 24 अप्रैल 2018 को इस फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया जाएगा। बता दें, राजकुमार हिरानी ने
दत्त बायोपिक में रणबीर कपूर के साथ पहली बार काम किया, तो वहीं रणबीर के काम से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने ऑन कैमरा रणबीर के लिए इतनी बड़ी बात कह डाली जिसे सुनकर हर कोई स्टार हैरान हो जाएगा। जी हाँ, राजकुमार ने रणबीर की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनके काम से इतना खुश है कि दोबारा रणबीर के साथ काम करना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी से जब ये पूछा गया कि क्या दत्त बायोपिक में रणबीर कपूर को एक बार से फिर बॉलीवुड की नई जनरेशन का सबसे बड़ा सुपरहिट बना पाएगी, तो वहीं उन्होंने कहा कि रणबीर हमेशा से ही सुपरस्टार थे, भले ही उनकी कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कारोबार ना किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्लॉप हो गए, वो सुपरस्टार थे और सुपरस्टार ही हैं। सपना चौधरी, यूं तो आज एक ऐसा नाम है जिसको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। हाल ही में सपना को लेकर खबरें आ रही हैं कि उन्हें ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर भद्दी गालियां दी गई, जिसके बाद तो सपना ने उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। साथ ही मुकदमा दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने अभद्र टिप्पणी करने वाले को तलाशना भी शुरू कर दिया है। दरअसल ट्विटर पर एक ही खान खोबरा नाम से अकाउंट चलाने वाले ने ट्विटर पर खुद को संभल निवासी लिखा हुआ था। सपना चौधरी ने इस मामले को लेकर यूपी पुलिस, संभल पुलिस और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ट्वीट पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, सपना ने कहा कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर महिलाओं वो बहनों को गाली देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पुलिस इन सब को गिरफ्तार करने की फिराक में है और ये देखने वाली बात होगी। साथ ही वहीं ये मामला दर्ज होने से कुछ घंटे पहले ही ट्विटर पर एक ही खान कोबरा अकाउंट से सपना को भेजे गए अभद्र अश्लील वीडियो को डिलीट कर दिया गया, साथ ही साथ उन कमेंट्स को भी जिसमें सपना को गाली दी गई थी। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक वो अपराधी पकड़े जाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे अब फिल्मों में दिखाई नहीं देती, लेकिन विज्ञापनों और बॉलीवुड की पार्टीज में वो अक्सर दिखती हैं। बता दें, सोनाली 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी, तो वहीं उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और आज वो एक बेटे की माँ है। साथ ही सोनाली बेंद्रे मुंबई के जुहू इलाके में रहती है। हाल ही में सोनाली के घर की कुछ तस्वीरें सामने आई जो बेहद ही खूबसूरत है। बता दें कि एक तस्वीर में सोनाली के साथ सुजैन भी दिख रहे हैं, साथ ही सोनाली के घर का इंटीरियर भी सुजैन ने ही तैयार किया, तो वहीं सोनाली ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं। साथ ही सोनाली को किताबों का भी बेहद शौक है, उन्होंने अपने घर में कई किताबों की सेल्फ को भी बना रखा है। साथ ही सोनाली के शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे को टाटा बाय बाय कह दी थी, तो वहीं अब वो एक होम मेकर बन गई हैं। तो वेल वेल वेल, आपने जान ही लिया कि आखिर आप सबकी फेवरेट सपना चौधरी ने क्या हो गया जो इन दिनों वो काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बनी हुई थी। आपने देखा कि किस तरह से किसी ने उन्हें ट्विटर पर गंदी गंदी गालियां दे दी थी, जिसके बाद सपना ने पुलिस में उसकी शिकायत तो दर्ज करवाई ही है, साथ ही में वो बेहद ही जल्द पकड़ा भी जाएगा। तो वहीं आपने देखा कि डायरेक्टर ने क्या कुछ कह दिया था संजय दत्त की बायोपिक में काम करने वाले रणबीर कपूर को लेकर। आपने जाना कि उन्होंने उनकी जमकर तारीफ भी की। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो सुपरस्टार इस बार इस फिल्म के बाद बन जाएंगे, तो उस डायरेक्टर ने कहा कि भाई वो पहले से ही सुपरस्टार हैं, उन्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से अर्शी खान जो है वो इन दिनों काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बनी हुई थी। आपने जाना कि किस तरह से हाल ही में अर्शी खान जो है वो एक रैंप वॉक करती दिखाई दी थी, वो भी बिग बॉस के अपने एक साथी सब्यसाची के साथ। आपने देखा जहां पर वो लग तो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी, मगर उसके बावजूद भी अर्शी वहां पर उप्स मूवमेंट का शिकार हो गई। मैडम अर्शी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद तो उनका उप्स मूवमेंट ही हो गया। आपने जान ही लिया होगा कि आखिर ऐसा उनके साथ क्या हो गया। बता दे आपको कि मैडम ने जो साड़ी पहनी हुई थी, हालांकि वहां वो दिखी तो ट्रेडिशनल ही लुक में, मगर उसके बावजूद भी वो उप्स मूवमेंट का शिकार हो गई। आपने देखा किस तरह से अर्शी ने वहां साड़ी पहनी हुई थी,
वो साड़ी उनकी नीचे से काफी ऊपर थी। जब वो चल रही थी तो वो साड़ी एकदम से हट गई और वो उस मूवमेंट का शिकार हो गई। साथ साथ आपने ये भी जाना कि ऐसे और कौन से सितारे हैं जो इन दिनों काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बने थे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल। बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest updates.